पूरी दुनिया के करीब 164 देशों में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। 2 लाख से ज्यादा लोग बीमार हैं, 8000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जो सबसे सुरक्षित है। साथ ही यहाँ किसी भी प्रकार की बीमारी का असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ हेल्थ स्टेबिलाईजेशन प्रोग्राम कई सालों से बेहतरीन काम कर रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि दुनिया की इस सबसे सुरक्षित जगह जहां कोई बीमार नहीं पड़ता, यहां सिर्फ एक बार एक आदमी को जुकाम हुआ था, वह भी 52 साल पहले। इस जगह का नाम है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया कि अभी अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रोनॉट को भेजने से पहले हम उसे 10 दिन तक मेडिकल जांच में रखेंगे, ताकि स्पेस स्टेशन पर कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो। नासा मई में स्पेस एक्स के रॉकेट से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन भेजेगा। नासा ने बताया कि कैसे उन्होंने स्पेस स्टेशन को बीमारियों से दूर रखा है। नासा के पास स्पेस स्टेशन को सुरक्षित रखने की टेक्नोलॉजी का नाम है हेल्थ स्टेबिलाईजेशन सिस्टम। इस सिस्टम के लगने के बाद स्पेस स्टेशन पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स अपनी सेहत की निगरानी रख सकते हैं। 1968 में हुए अपोलो 7 मिशन के दौरान वैली शीरा को सामान्य जुकाम हो गया था, लेकिन इसकी वजह से उनके साथी वॉल्टर कनिंगम और डॉन एफ इसल को काफी दिक्कत हो रही थी। वैली जब भी छींकते, उनके नाक से निकलने वाली बूंदें स्पेसशिप में तैरती। ये बूंदें बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स को परेशान करती थी। इसके बाद नासा ने फैसला लिया कि वह स्पेस स्टेशन पर ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करेगा जिससे कोई बीमार ही ना हो। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी कई खबरें सबसे पहले पाने के लिए बने रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।